वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दो होली स्पेशल क्लासिक रेसिपीज, रबड़ी मालपुआ और ठंडाई। होली के दिन खूब पसंद की जाती है और कुकिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, तो चलिए शुरू करते हैं रबड़ी मालपुआ बनाने से। सबसे पहले मैं रबड़ी बनाऊंगी क्योंकि रबड़ी ठंडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। रबड़ी बनाने के लिए मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ और इसे रिड्यूस करूँगी जब तक क्वांटिटी हाफ ना हो जाए, और मीडियम हीट रखी है और कंटिन्यूसली स्टर करते रहूँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब मैं एक चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी, इससे रबड़ी थोड़ी जल्दी बनती है। और कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, मीठा थोड़ा कम ही रखूंगी क्योंकि मालपुए तो मीठे होते ही हैं, रबड़ी फीकी ना लगे, बस उतना ही कंडेंस्ड मिल्क डाला है। तो रबड़ी ऑलमोस्ट बन गई है, इस पॉइंट पर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर, फेनल सीड्स और थोड़ा सा रोज़ वाटर। फेनल सीड्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रबड़ी में। तो रबड़ी भी हमारी रेडी है और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल कर ठंडा होने रख दूंगी। चलिए अब मालपुए बनाने से पहले क्विकली शुगर सिरप बनाते हैं, क्योंकि मालपुए डिप करने के लिए चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मालपुए नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1/2 कप वाटर और 1 कप शुगर ली है। सॉरी, वो क्लिप मिस हो गई है मुझसे। शुगर की क्वांटिटी वाटर से डबल होनी चाहिए क्योंकि लगभग 1 तार की चाशनी चाहिए हमको। तो चाशनी में बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सैफ्रन, कार्डमम पाउडर और रोज़ वाटर। बस इसके बाद इसको आधे से 1 मिनट तक और पकाकर गैस ऑफ कर दूंगी, तो चाशनी भी हमारी रेडी हो जाएगी। और अब मैं बनाऊंगी मालपुए। इसके लिए मैंने एक बोल में 1/2 कप ग्रेटेड खोया लिया है और इसमें डालूंगी रूम टेम्परेचर का योगर्ट 1 से 2 चम्मच, और हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करके एकदम स्मूथ कर लूंगी। बिल्कुल क्रीम वाला टेक्सचर चाहिए। और इसके बाद जब ये स्मूथ हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप ऑल पर्पज़ फ्लार और 1 टीस्पून सेमोलिना, यानी कि सूजी, थोड़ा फर्मनेस के लिए। मैदा खोए से 1/2 क्वांटिटी में डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि लम्स ना रहें, और ज़रूरत के हिसाब से वाटर ऐड करूंगी, बैटर की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और एंड में मैं इसमें डालूंगी फेनल सीड्स, कार्डमम पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सैफ्रन। और अब इसके बाद इसको मिक्स करके बैटर को 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने को रख दूंगी। अब मीडियम लो हीट पर एक पैन रखूंगी और उसमें डालूंगी घी। कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, ऑयल में नहीं। ऑयल की महक अगर मालपुए में आ गई तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। अब थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर मालपुए बना लूँगी और दोनों तरफ से सेक लूँगी अच्छे से, और साथ साथ इसे चाशनी में डालते जाऊँगी जो गुनगुनी हो चुकी है। चाशनी में मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के लिए ही रखें, ज़्यादा नहीं। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप, प्लेटिंग। उसके लिए मैं मालपुए एक सर्विंग प्लेट में रखूंगी, एक के ऊपर एक, और कोशिश कीजिए कि जितनी भी एक्सेस चाशनी है वो निकल जाए मालपुए से। और उसके ऊपर मैं डालूंगी फिर रूम टेम्परेचर पे आई हुई रबड़ी। और इसे गार्निश करूंगी चॉप्ड आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस से, और थोड़ा सा इलायची यानी कि कार्डमम पाउडर स्प्रिंकल करूंगी, और रखूंगी रोज पेटल सेंटर में, और कुछ बेरीज डालूंगी थोड़ा सा फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, और साथ ही कुछ मिंट स्प्रिग लगाऊंगी। और रेडी है हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट सुपर डिलीशियस रबड़ी मालपुआ। आप लोग भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा इस होली पर। मालपुए के साथ रबड़ी का कॉम्बिनेशन एकदम अल्टीमेट टेस्ट आता है। Thank you.
अब बनाते हैं ठंडाई। इसके लिए मैंने कुछ कैश्यूज, पिस्ता, सेसेमे सीड्स, मेलन सीड्स, फेनल सीड्स और ब्लैक पेपर कॉर्न्स को वाटर में सोक करके रख दिया था कुछ 5 to 6 hours पहले, और हो सके तो मिनिमम 2 to 3 hours के लिए तो सोक करें ही अगर टाइम ज़्यादा ना हो तो। और आलमंड्स भी अलग से भिगा दिए हैं। और अब मैं एक सॉस पैन में डालूंगी मिल्क। जब तक इसमें 2 to 3 बॉयल नहीं आते हैं तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना लूंगी जो मैंने सोक करके रखे थे। ये भी अच्छे से सोक हो गए हैं और साथ ही मैं बादाम भी छील के रख लूंगी और अब इनको एक ब्लेंडिंग जार में डाल के स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। साथ ही थोड़ा सा गर्म दूध डालूंगी ताकि ईजिली ग्राइंड हो जाएं। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी रेडी है और दूध में भी 2 to 3 बॉयल आ गए हैं और अब इसमें मैं डालूंगी शुगर टेस्ट के हिसाब से और साथ ही सैफरन और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट और इसे अच्छे से मिल्क में मिक्स कर लूंगी, स्टर कर लूंगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ स्पाइसेस जैसे कि कार्डमम पाउडर, सिनेमन पाउडर और नटमेग पाउडर। और एंड में ये कुछ ड्राइड रोज पेटल्स हैं मेरे पास, इनको भी क्रश करके डालूंगी। बस कुछ 30 to 40 सेकेंड्स के लिए स्टर करूंगी और उसके बाद गैस ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे फ्रिज में रखूंगी चिल्ड सर्व करने के लिए। ठंडाई को एक ग्लास में डालकर गार्निश करूंगी चॉप्ड आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये रेसिपीज इंजॉय की होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। बाय।